हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी पर तेजस्वी का तंज, कहा वो जनजात अगड़े हैं और कागजी पिछड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी की कन्नौज की रैली में कहा कि वो जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष में नहीं है। मोदी ने यहाँ एक चुनावी जनसभा में कहा, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने कहा था, पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से विरोधी लोग उन्हें नीचा कहते हैं और बहन जी और अखिलेश ने भी नीचा कहा है। उस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपने आपको दलित भी बता चुके हैं कहीं भी, लेकिन सच्चाई यह है वो जनजात अगड़े हैं और कागजी पिछड़े हैं। वोट लेने के लिए वो क्या क्या बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि मैंने 20 अप्रैल को ही कह दिया था कि अपने आप को नकली ओबीसी बताने के बाद नरेंद्र मोदी जी अब अति पिछड़ा बताएंगे, और कल उन्होंने बता भी दिया, अपने आप को दलित भी बता चुके हैं। कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जनजात अगड़े हैं और कागजी पिछड़े हैं। वोट लेने के लिए वो क्या क्या बोलते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले अगाड़ी जाति में आते थे, लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक लाभ के लिए और पिछड़ों का हक मारने के लिए अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करवा लिया था। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरह जन्म से पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मायावती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले ऊंची जाति के थे, बाद में पिछड़ी जाति के बने, लेकिन कन्नौज में उन्होंने यह कहा कि पिछला वर्ग का होने की वजह से विरोधी लोग उनके बीच कहते हैं और बहन जी और अखिलेश भी नीच कहते हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह आरोप काफ़ी शरारतपूर्ण व तथ्य से बिल्कुल परे लगता है। हमने उनको कभी भी नीच नहीं कहा है, पूरे सम्मान के साथ हमने उन्हें ऊंची जाति का ही माना है, तो फिर भला उनको नीच कहने वाली बात कहाँ से आ गई। बसपा सुप्रीम ने कहा कि इससे तो हम यही मानकर चलेंगे कि अपनी नज़रों में अपर कास्ट समाज को भी नीच समझने लगे हैं। मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अभी भी दलित समाज को नीच मानकर चलती है। मोदी और उनकी पार्टी कभी भी दलितों और अति पिछड़ों के कभी सच्चे हितैषी साबित नहीं हुए हैं। हैदराबाद का रोहित वेमुला कांड और ऊना कांड इसका खास उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 चरणों के रुझान के आधार पर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद के गठबंधन को जीत से कोई नहीं रोक सकता और भाजपा बुरी तरह से हार रही है। अभी तक हुए 3 चरणों में गठबंधन को अच्छा समर्थन मिला है और चौथा चरण भी गठबंधन का अच्छा रहेगा। पूरे देश की जनता सजग हो चुकी है, अब वो वोट देने से पहले यह सोच रही है कि 5 साल में क्या वादे पूरे हुए जो किए गए थे। लोकसभा इलेक्शंस 2019, एससी का ईसी को नोटिस। नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ शिकायतों पर 6 मई से पहले हो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दी गई शिकायतों पर 6 मई से पहले फैसला करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तारीख से पहले इन दोनों राजनीतिक दिग्गजों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा किया जाए। दरअसल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनावी आदर्श आचार संहिता को लेकर पीएम मोदी और शाह की शिकायत एसी को दी है। पार्टी की तरफ से कुल 9 शिकायतें ईसी को दी गई थी, जिस पर सुष्मिता देव का कहना है कि ईसी उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर रहा है। पीटीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच को ईसी ने बताया है कि कांग्रेस द्वारा दाखिल की गई कुल 11 में से 2 शिकायतों पर वो पहले ही फैसला ले चुका है। लोकसभा से कांग्रेसी सांसद सुष्मिता देव का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अभिवक्ता एएम सिद्धवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने तब कहा था, हमने पीएम मोदी और शाह की जोड़ी के खिलाफ कुल 11 शिकायतें आयोग को दी थी, उनमें से केवल 2 पर फैसला लिया गया है। सीजेआई समेत जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना वाली बेंच से इस बाबत कहा, हम इस मामले को सोमवार यानी कि 6 मई को सुनवाई करें, उससे पहले याचिकाकर्ताओं की शेष शिकायतों पर ईसी फैसला ले ले। बता दें कि ईसी इससे पहले पीएम के 2 भाषणों को लेकर उन्हें क्लीन चिट दे चुका है, जिसमें एक भाषण महाराष्ट्र के लातूर जिले का है जबकि दूसरा वर्धा का है। पहले भाषण में उन्होंने पहली बार वोट डालने वालों से अपील की थी कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और पुलवामा आतंकी हमले के शहीद हुए वे लोगों को अपने वोट दें।
वहीं दूसरी रैली में वह कांग्रेस चीफ राहुल गांधी पर बरसते थे और उन्होंने इस संकेत दिए थे कि वो केरल में ज़्यादातर वोटर्स अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मालिक आप हैं, मोदी नहीं। चोरों की जेब से छीनकर करोड़ों गरीबों को न्याय देंगे, राहुल गांधी। झारखंड 2 मई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मालिक जानता है, मोदी नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि देश में यदि कांग्रेस सरकार बनी तो चोरों की जेब से छीनकर 5 करोड़ गरीब परिवारों को वे न्याय योजना के तहत 72,000 रुपये प्रतिवर्ष देगी। राहुल गांधी ने आज यहाँ खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए यह बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 15 पूंजीपतियों की जेब में 5,55,000 करोड़ रुपये डाल दिए हैं, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार बनी तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उल्टे इन चोरों की जेब से सरकार का दिया गया पैसा छीनकर 5 करोड़ गरीब परिवारों के 25 करोड़ लोगों में 5 वर्ष में कुल 3,60,000 रुपये सीधा उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर विभिन्न वर्गों में आपस में वैमनस्य पैदा करने और लड़ाने का आरोप लगाया और वादा किया कि केंद्र में उनके और उनके साथियों की गठबंधन सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार न्याय योजना के माध्यम से देश के गरीबों के साथ पूरा न्याय करेगी। राहुल ने कहा कि मोदी को पता नहीं है कि वास्तव में देश के मालिक आप हैं, मोदी नहीं। राहुल ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनावों में लोगों से तमाम वादे किए थे जिसके प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों की आय दुगनी करना और किसानों एवं गरीबों की मदद करना शामिल थे, लेकिन मदद तो की नहीं पर देश के सिर्फ शीर्ष 15 उद्योगपतियों की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में सिर्फ अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 15 लोगों की मदद की है। उन्हें आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर दिया है। इन 15 अमीरों के 5,55,000 करोड़ रुपये माफ़ कर दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन उद्योगपतियों से यह पैसा वापस लिया जाएगा और गरीबों के लिए न्याय योजना के साथ शिक्षा तथा सुलभ स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल और शिक्षण संस्थानें खोली जाएंगी, अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा दी जाएगी। राहुल ने कहा, यदि मोदी झूठ बोल सकता है तो कांग्रेस सच करके दिखा सकती है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार आपको अपने मन की बात नहीं सुनाएगी बल्कि आपके मन की बात सुनेगी और उसे ज़मीन पर उतारेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वह उसके आदेश के अनुसार काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, मेरे राज्य में सभी आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी एक इंच ज़मीन भी छीन ले। कांग्रेस अध्यक्ष के मंच से उनके गठबंधन सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबू लाल मुराड़ी और मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, 2014 से अब तक 942 बम धमाके, पीएम मोदी खोले अपने कान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में 16 जवानों के शहीद होने की घटना के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद देश ने बम धमाकों की आवाज़ नहीं सुनी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 के बाद से देश ने बम धमाकों की गूंज नहीं सुनी। पुलवामा, पठानकोट, उरी, गढ़चिरौली और 942 अन्य बम विस्फोट की घटनाएं होली। पीएम को अपने कानों को खोलने और सुनने की ज़रूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर हमला बोला कि उनके कार्यकाल में बम धमाके होने बंद हो गए। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में दंतेवाड़ा, पालमू, औरंगाबाद, कोरापत, सुकमा, अवापल्ली और छत्तीसगढ़ में हुए बम धमाकों की लिस्ट पोस्ट करते हुए कहा, क्या ये याददाश्त चले जाने से या फिर अनिवार्य आदत के कारण? कांग्रेस ने बुधवार को गढ़चिरौली में सुरक्षा कर्मियों पर हुए भीषण हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि जवानों के शहीद होने से उनको गहरा दुख पहुंचा है। उधर महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख ने घटनास्थल का दौरा किया जहां नक्सलियों के हमले में 15 जवान और एक ड्राइवर मारे गए।
उनके साथ गढ़चिरौली के कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी साथ थे। इनके बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे जवान सीमा पर और नक्सल एरिया में शहीद हो रहे हैं, बीजेपी सैनिकों के बारे में बात करती है, ये कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा है, हर दिन एक सैनिक शहीद हो रहा है। कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा यूपीए सरकार में हुई 6 सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस का कहना है कि हमारी पार्टी ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, लेकिन मोदी सरकार की तरह हमने हर चीज़ को ना ही राजनीतिक मुद्दा बनाया और ना ही श्रेय लिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर मसूद अजहर तक कई मुद्दों पर भाजपा पर जमकर हमलावर किया। उन्होंने कहा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में सभी सरकारें 15 साल से लगातार प्रयास कर रही थी, इसके लिए किसी एक सरकार का श्रेय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव शुक्ला ने कहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, ये यही दस्तावेज बड़े आधार बने और संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई की। राजीव शुक्ला ने यूपीए सरकार के दौरान हुए 6 सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 19 जून 2008 को जम्मू कश्मीर के पूंछ के भत्तल सेक्टर में पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक 30 अगस्त से 1 सितंबर 2011 तक शारदा सेक्टर नीलम नदी के पार किया। तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक 6 जनवरी 2013 को हुआ। चौथा सर्जिकल स्ट्राइक 27 से 28 जुलाई 2013 और पांचवा सर्जिकल स्ट्राइक 6 अगस्त 2013 और छठा सर्जिकल स्ट्राइक 14 जनवरी 2014 को किया गया। शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार हर चीज़ का श्रेय लेने में लगी है। कांग्रेस ने हाजिफ के साथ ही जकीउर रहमान लखवी, हाजी मोहम्मद अशरफ मोहम्मद अहमद बहजीफ को वैश्विक आतंकी घोषित करवाया, लेकिन कभी इसका सियादी फ़ायदा नहीं लिया। कांग्रेस ने ही आतंकी अबू जादलन रिचर्ड हेटली को भी पकड़वाया, लेकिन कभी मनमोहन सिंह ने चुरावी भाषाओं में इन बातों का जिक्र नहीं किया। राजीव शुक्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों को जो सबक सिखाया था, वह कभी मोदी नहीं सिखा सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जो कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, वो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, मोदी वह भी नहीं कर सकते। राजीव शुक्ला ने कहा, अब तो भाजपा अटल जी को भूल गई है, उनकी फ़ोटो तक गायब हो गई है। उन्होंने कहा, हमने मसूद अजहर को पकड़ा था, लेकिन भाजपा ने छोड़ दिया। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।